हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिड़ा हियर। वेलकम टू माय चैनल ए विराट स्टडी सेंटर। आज आम इंडियन इकोनॉमी रो एमसीक्यू डिस्कशन करवा, जोटा कि टॉपिक वाइज रहिबो। तो प्रथम टॉपिक हूँ आपण मानकर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यही चैप्टर रो आम एमसीक्यू करवा, एवं एपर्यंत जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करना तेल चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन टी दबाई दिंतु, जद्वारा कि मुँ अपलोड कर भिडटी सर्वप्रथमें आपण मानक नोटिफिकेशन जीव। तो चलतु प्रथम आम प्रथम क्वेश्चन देखा, तहत यही भिडटर वही एमसीक्यूटर जदि आप डीएफ चाहते तेल टेलीग्राम चैनल आपने जॉइन हूँ, जोटा कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि। तो देखो प्रथम क्वेश्चन, हाउ इज द इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भारत इकोनॉमी जो अच्छी ता किपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यार आंसर हो देखु मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती तार अर्थ कौन, प्रमोशन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, को एक्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, को एक्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, को एक्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज। तो यार आंसर हो देखु ऑप्शन बी, को एक्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ए सक्सेसफुल नेशनल प्रोडक्ट। व्हिच सेक्टर इतिमध्ये को सेक्टर रे इंडियन इकोनॉमी जो अच्छी मोस्ट सक्सेसफुल होती नेशनल प्रोडक्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो यार आंसर हो देखु ऑप्शन सी, टर्टियरी सेक्टर। ये आपशन भी देखिए आपटिस् भी करें, प्रथम क्वेश्चन देखिए तापर आंसर आप मैंने चेक करने को चाहते तेल आपठ चेक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन व्हिच। जो क्लोज्ड इकोनॉमी अच्छी से क्लोज इकोनॉमीटा ये ऑप्शन मध्य कौटा इनक्लूड कर, इन्फ्लेशन इज कम्प्लीटली कंट्रोल, देयर इज अ डिफिसिट फाइनेंस फाइनेंसिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट्स ओनली, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। कौन तो देखो यार आंसर हो नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। ओके, एप्रोक्सीमेटली व्हाट पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 48%, 50%, 54%, 64%। जो इंडिया जो लेबर फोर्स अच्छा से मैंने केते परसेंट एग्रीकल्चर रे एंगेज अच्छा, 48%, 50%, 54% या 64%। तो यार आंसर हो देखो 54% अच्छा एग्रीकल्चर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज टेक्निक, साइकिल, साइक्लिक, अब्रेसिव, स्ट्रक्चरल। तो यार आंसर हो देखो ऑप्शन डी, स्ट्रक्चरल। ओके, यहाँ डबल है क्षमा चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलेक्ट्स एंड पब्लिश अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इन इंडिया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट मानकर जो डाटा अच्छी ताको पब्लिश करिबा एवं कलेक्ट्स करिबा कौ ऑर्गेनाइजेशन रो गोटे काम, नीति आयोग, फाइनेंस कमिशन, NSSO, UNO। तो यार आंसर सठिक भाव में आप लिखि NSSO, जोटा कि आम कह नेशनल सर्वे, सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एंड UNO आपने जानते यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। कौ प्रकार टाइप मैंने कौ प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट आम इंडिया देखा पाचु, रूराल अंडर एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल,
अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ दिस तो यार आंसर आपण माने लिखि नियंतु ऑल द ऑल ऑफ दिस नंबर 10 व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली सीन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को प्रकार माने जो अनएम्प्लॉयमेंट अछि सेटा देखबा को मिलुछि स्ट्रक्चरल देखा जाउछि अपन अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि तो यार आंसर आपण माने लिखि नियंतु इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट देखबा को मिलुछि एग्रीकल्चर रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चरल सीजनल क्रिटिकल या ऑल ऑफ दिस तो यार आंसर आपण माने लिखि नियंतु ऑल ऑफ दिस हला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस willingness to work and not getting work every day throughout the year inadequate capital to employ the huge labor force employment of more people than required to er answer dekhantu inadequate option c hi jibo apunangar answer inadequate capital to employ the huge labor force next question Which unemployment is highest in rural areas in India? Rural area रे जो unemployment अच्छे से को प्रकार highest unemployment देखिबा को मिलुची seasonal unemployment, invisible unemployment. तो यार answer अपन मने सटीक भाव लेकिन यंतु option C both above seasonal and invisible unemployment देखिबा को मिलुची. Next question. Which type of unemployment problem remain ए वेरी सीरीयस प्रोब्लेम इन द कंट्री एट प्रेजेंट को प्रकार जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेम अच्छे जोटा कि कंट्री रे वर्तमान बहुत सीरीयस प्रोब्लेम पकोची तो देखो रूराल एम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपन अनएम्प्लॉयमेंट देखो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि मोस्ट मानने कह गले सीरीयसली प्रोब्लेम देखा बहुत देखा मिलूँ अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि एजुकेटेड लोक अच्छा ओके 15 वेर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अच्छी से कौ जगार जो तार लोकेटेड अच्छी देखु शिमला हैदराबाद पटना न्यू दिल्ली तो यार आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद देखो आ गोटे कथा मुझे कहबी जदि आपर्त सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक करने को भूलु ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखु व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रो कारण कौन डिफ्लेशन स्टेज हेवी इंडस्ट्री एक्शन लैक ऑफ रॉ मटेरियल इनएडिक्यूट प्रोडक्ट कैपेसिटी तो यार आंसर है देखो इनएडिक्यूट प्रोडक्ट कैपेसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन on the basis of nutritional needs according to this those who get less than 2400 calories per day in rural area are considered below the poverty line this calories intake for urban area is mane rural area re jemti achi 2400 jo calories achi thik sehi paribhav re urban area re केते अच्छे तो यार आंसर आप लिखि नियंतु 2100 कैलोरीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हू सर्वे नीति आयोग एसेस द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक तो एथिमध्य जो ऑप्शन आपने देखिपे यही ऑप्शन मध्य कौ नीति आयोग द्वारा लोक मानकर जो पॉवर्टी लाइन बिलो अच्छा से मानी ऑर्गेनाइजेशन कराइला सर्वे कराइला तो यार आंसर आपने देखिपे ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट व्हिच फॉर्मूला डस नीति आयोग यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल एथिमध्य देखु नीति आयोग को व्यवहार करने एवं तार जो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने
स्टेट एवं नेशनल लेवल रे किए फर्मूला देते कहा फर्मूला को आम फॉलो करूँ तो देखूँ देदकर एंड्रथ बिस्मिल्ला डीटी लकड़वाला या पीके बर्धवान बर्धन माने ये देखूँ बी एस मिन्हास हेनी देखो जो बी एस मिन्हा मिन्हास अच्छा ये पार्बनी तो यार आंसर आप देखि ऑप्शन सी हम डीटी लकड़वाला ओके लकड़ावाला नहीं कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम्स वाच मैंने अंत्योदय प्रोग्राम रो लक्ष्य कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन फीचर्स कौन सा देखा रिमूवल ऑफ अर्बन पॉवर्टी अपग्रेडिंग द माइनॉरिटी इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तो यार सटिक आंसर आपखिनियंतु ऑप्शन डी हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तो यहाँ थी इंडियन इकोनोमी रो एमसीक्यू जोटा कि आपण मान जेकोसी प्रकार अपकमिंग कंपिटेटिव एग्जाम दौंती जहाँ भी पर आप जो कंपिटेटिव एग्जाम को देबे से ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जदि आपण मानक भाव में क्लास आपल मो चैनल सहित जोड़ी रुंतु इंडियन इकोनोमी इंडियन ज्योग्राफी इंडियन हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी ता सहित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंग्लिश ओडिया सब क्लास करू जो आम सी डी पी एमसीक्यू करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू करूँ तहार थ्योरी पढ़ाई ता क्लास वाइज कर डिस्कशन कर टॉपिक वाइज कर ताहा भी आपण मैंने देखिपर से प्रकार मैंने सबकि क्लास कर रिलेटेड विथ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जमी क्वेश्चंस आसो से भाव में यह कर